हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है दोस्तों। अगर आप देखते हो या छोटा भी क्वांटिटी अगर खरीद लेते हो तो आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा जो है रिटर्न निकाल के देगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो वो कौन सा स्टॉक है दोस्तों? वो स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। आप अगर इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो आप खुद भी बोल दोगे कि नहीं, ये स्टॉक में इतना पावर है कि आने वाले दिनों में ये आपका पैसा जो है बहुत अच्छा और हेल्दी तरीके से ग्रो कर सकता है। जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आज सुबह में ही मैंने वीडियो अपलोड किया था और बताया था कि जो इसका प्राइस है वो रॉकेट की तरह इंक्रीज़ होने वाला है। उस टाइम जो इसका करेंट मार्केट प्राइस चला था अराउंड 1620 के आसपास चल रहा था और डायरेक्ट इसने जो है 1720 का हाईएस्ट मारा है। मतलब कि दोस्तों 5% का जो है अपर सर्किट इसमें देखा गया है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक में एक चीज़ जो है नॉर्मल है वो है दोस्तों ग्रोथ। इस कंपनी में, ये बैंक में इतना ज़्यादा ग्रोथ है कि आने वाले दिनों में ये आपको बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज बोला तो कल, ठीक है, लेकिन हाँ, आने वाले दिनों का मतलब दोस्तों फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म में नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। यहाँ पर देख सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक, आप खुद देख के बताओ दोस्तों, ये जो है 200 के आसपास, हालांकि दोस्तों 200 से भी नीचे ये ट्रेड किया करता था, 2010 के आसपास, 100 के आसपास ये कभी ट्रेड किया करता था। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 100 के आसपास, 2010 में 100 के आसपास ये जो है लोएस्ट मारा था। आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये स्टॉक जो है 1600-1700 को टच कर रहा है। आप डायरेक्ट देखो, कभी भी किसी भी गिरावट में ये कंपनी कहां जाता है तो डायरेक्ट देखिए अपर सर्किट में जाता है। दो तरीके के चार्ट होते हैं, एक मैं आपको बता देता हूं, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब दोस्तों ऐसे हो जाए कोई स्टॉक जो ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत चलते रहता है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल का मतलब जो होता है दोस्तों ऐसे डायरेक्ट ऊपर जाता है, डायरेक्ट ऊपर जाता है। और ये स्टॉक देख लो कभी भी जो भी है दोस्तों अपर ट्रेंड में ही जा रहा, अपर ट्रेंड में ही जा रहा। तो इतना अच्छा ग्रोथ होने वाला कंपनी, जो दोस्तों 100 रुपीज का शेयर 10 मतलब कि 10 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर ये जो है आपका 16% मतलब कि 16 गुना आपका पैसा कर दिया। तो आने वाले दिनों में भी आपको अच्छा से अच्छा ग्रोथ निकाल के देने वाला है। और कंपनी देखते हैं कैसा है, बुलिश है या बेरिश है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कंपनी 0% बेरिश है, मतलब गिरावट का कोई चांस नहीं है। अब गिरावट का कोई चांस का मतलब क्या होता है कि एक दो दिन अगर गिरावट होता है मार्केट के वजह से, अगर कोई सीजनल प्रॉब्लम की वजह से, तो वो अलग है। लेकिन आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है नहीं गिरने वाला। तो ऐसे स्टॉक को जो है हमें खरीद के रखना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो बुलिश कितना है, 19% और यह कितना नेचुरल, कितना 8%। तो जो भी है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपको अच्छा से अच्छा जो है प्रॉफिट देने का संकेत कर रहा है। और कब तो ये स्टॉक जो है अपर ट्रेंड में ही चलता है, डाउन ट्रेंड में जाता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि महीने दो महीने के लिए गिरावट आ जाती है, तो उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर मान लो कभी अगर 100 पॉइंट या 150 पॉइंट अगर गिरावट आ जाता है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर हम परसेंट में देखें तो दोस्तों स्टॉक में जो है 5 या 10% की गिरावट आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। और यहाँ देखिए दोस्तों, जो 10 सालों से ये बुलिश ट्रेंड में चल रहा है ये स्टॉक, उसके बावजूद भी यहाँ पर देख लीजिए 50% जो लोग बोल रहे हैं कि खरीदारी करके ही चलना चाहिए। और जो ये कोटक महिंद्रा बैंक है दोस्तों, वो HDFC बैंक से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल के देता है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 1 ईयर में जो है 18% का रिटर्न है HDFC बैंक में, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक ने 33% के आसपास दिया है अराउंड, ठीक है, 33% तो दिया। तो सोचिए दोस्तों HDFC बैंक से आपको ज़्यादा रिटर्न आपको निकाल के दिया है, कहाँ पर, आपको कोटक महिंद्रा बैंक में। और इसका देख सकते हैं दोस्तों फाइनेंशियल ट्रेंड तो डायरेक्ट जो है 28 था, 28 से 45 मतलब कि इंक्रीज ही होते जा रहा, डिक्रीज नहीं हो रहा। हालांकि दोस्तों ये जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा, लेकिन इंक्रीज़ हो रहा है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नोटिस करना चाहिए, वो क्या है दोस्तों? हमने क्या बोला कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है। तो मैंने पहले कौन सा वीडियो बनाया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको पहले बता दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने 12 आवर्स अगो, यहाँ पर देखो 12 आवर्स अगो मतलब कि मार्केट ओपन होने से पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था, एक था कोटक महिंद्रा बैंक का, एक था DLF का, ठीक है। मैंने साफ साफ बोला था दोस्तों DLF को खरीदारी करने के लिए और कोटक महिंद्रा बैंक को खरीदारी करने के लिए। अब हम ये देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है और क्या प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि रिजल्ट देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने देखिए मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ।
ये रहा दोस्तों आपके सामने DLF। दोस्तों ये स्टॉक में रैली आने वाली है, तेजी आएगी शायद। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा था दोस्तों, DLF का कितना चला था, 254, ठीक है, अराउंड मान लेते हैं 250 के आसपास जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। बहुत अच्छा कमाल कर दिया, बहुत अच्छा कमाल कर दिखाया दोस्तों। ऐसे स्टॉक हमारे हाथ नहीं आने वाला, तो अगर आपने नहीं खरीदा तो सोचना नहीं है दोस्तों, जल्दी से हाथ मारना है और लेके निकल जाना है। तो आपने देखा, समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैंने साफ साफ बोला कि ऐसे स्टॉक में आपको सोचना नहीं है, जल्दी से हाथ मारना और लेके निकल जाना है 250 के आसपास। और अभी देखते हैं DLF का करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। तो ये रहा आपके सामने DLF, अभी जो है 2 या 3% की तेजी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 260 के भाव में चल रहा, और ये हाईएस्ट कितना गया था वो भी चेक कर लेते हैं, तो 262, तो मतलब कि अभी जो है ये हाईएस्ट में ही चल रहा, ठीक है। ये स्टॉक क्या चल रहा है, अभी हाईएस्ट में चल रहा। उसके बाद मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का वीडियो बनाया था, तो ये देखिए DLF के पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, कौन सा था, कोटक महिंद्रा, आपके सामने मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। ऊपर जाएगा तो इसका प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, अभी देख। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने सीधी और सरल भाषा में बताया कि इसका जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको ये बताया जाएगा कि ये होने वाला है, ये है इसका नेट NPI, ये है वो है, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है उलझाने का, फंसाने का काम किया जाता है। यहाँ पर आपको सीधी और सरल भाषा में बता दिया जा रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में, कि इसका जो प्राइस है किसका, कोटक महिंद्रा बैंक का, इतना तो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला, मतलब ऊपर जाने वाला है। क्योंकि स्टॉक बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो चुका है, अब इसका प्राइस जो है धमाकेदार स्पीड के साथ ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो दोस्तों, ये जो है डबल बॉटम बना दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला, इसका जो प्राइस है दोस्तों धमाकेदार स्पीड के साथ जो है ऊपर जाने वाला। और करेंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा था कोटक महिंद्रा बैंक का, यहाँ पर देख लो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक का जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा था वो 1600 के आसपास चला था, ठीक है। ये वीडियो को मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ प्रूफ के तौर पर, ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 31 जनवरी को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, मतलब कि जनवरी एंड हो चुका है आज। और देखिए आज के डेट में मैंने दो ही वीडियो बनाया था। और ये रहा आपके सामने कोटक महिंद्रा बैंक दोस्तों, इसमें भी आपको अच्छा खासा रैली गया देखा गया है, 1720 का हाईएस्ट गया है आज, जाके अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। तो ये है जो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में आपको एक दिन पहले भी बताया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। और आपको ऐसे भी स्टॉक्स बताए जाते हैं जो आने वाले दिनों में भी कमाल से भी अच्छा प्रॉफिट दे देता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करके पैसा निकालने चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे ट्रायल, डेमो, सैंपल जो भी चाहिए आप लोगों को यूट्यूब में अवेलेबल है, आप वहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये जो नंबर है ऊपर वाला, ये परमानेंट व्हाट्सअप का नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। उसके बाद ये जो नंबर, ये नंबर कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा।